नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। ओमिक्रॉन के चलते उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी दल चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर कमजोर रही भाजपा इस बार मंगलौर विधानसभा में जीत का जश्न मनाने की कोशिशों में जुट गई है। इस बार कांग्रेस को पटखनी देने के लिए भाजपा पदाधिकारी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सचिन गुर्जर ने कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। मंगलौर की जनता त्रस्त हो गई है। विकास और शिक्षा के नाम पर मंगलौर की जनता को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ नहीं दे पाए। युवा इस बार भाजपा के ही उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा तक भेजेंगे। देखिए, मंगलौर विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त रूप से काम किया है। और दूसरा यह है कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक है काजी निजामुद्दीन जी, वो पूरे 5 वर्ष में यहाँ पर विधानसभा में नहीं रहे, वो रहे हैं राजस्थान। अभी 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने, उनके लफ्ज थे कि मुझे डर है इस बार बीजेपी से। वो डर ऐसे ही उनका झलका नहीं, वो डर इसलिए झलका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से युवा मोर्चा, युवाओं की हमने लगभग 35 गांव में से 23-24 गांव में हमने डोर टू डोर घरों तक लोगों से मिले। चुनावी दौर है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने में लगी हुई हैं और खुद को जनता का हितैषी बता रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के लक्सर विधानसभा प्रत्याशी अजय वर्मा के साथ आचार संहिता को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रवीण सैनी ने। इसको जरा सुनिए। प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा में कहा कि कोई प्रत्याशी या किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट रोड शो नहीं कर पाएगा, जनसभा नहीं कर पाएगा और जो भी मीटिंग होंगी या अपना प्रचार प्रसार होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया जाएगा। आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ में आरजेडी के प्रत्याशी अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, जानना चाहेंगे कि जो चुनाव आयोग की जो घोषणा, उन पर आप किस तरह से कार्य करेंगे और जो क्षेत्रीय जनता उसको प्रचार प्रसार के लिए किस संसाधन का प्रयोग करेंगे। वर्मा जी, धन्यवाद प्रवीण भाई। जैसे कि माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन आएगी, सभी पार्टियों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को उसी हिसाब से काम करना चाहिए क्योंकि देश में कोरोना भी धीरे धीरे पैर दोबारा पसार रहा है, तो उस नाते सावधानी भी आवश्यक है। और मैं तो इस कदम का स्वागत ही करूँगा कि उन्होंने अधिक भीड़ जुटाने पर और अनावश्यक बल प्रयोग पर, बहुत अधिक रोड शो, रैली वैली करने पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। तो ओवरऑल यही है मेरा कहना कि जो शासन से गाइडलाइन हम लोगों को मिलेगी, हम उसी पे काम करेंगे। ये थे अजय वर्मा जी हमारे साथ। इनका कहना है कि जो शासन प्रशासन या चुनाव आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसी का फॉलो करेंगे। लक्सर से प्रवीण सैनी, न्यूज वन इंडिया। नौकरी से बाहर निकाले जाने पर आक्रोशित हुए एम्स के मेडिकल स्टाफ ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। दरअसल एम्स में शनिवार को कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाबत एम्स के निदेशक अच्युत रंजन मुखर्जी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को कुछ अतिरिक्त कर्मचारी थे उन्हें हटाने के लिए कहा गया था। इस पर संबंधित एजेंसी ने उक्त अतिरिक्त कर्मचारियों को काम से हटा दिया था, जिसके विरोध में आज संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों ने एम्स में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को आश्वस्त किया गया है कि फिलहाल एजेंसी की ओर से उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया है, लिहाजा फिलहाल किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को कुछ जो अतिरिक्त कर्मचारी थे उनको हटाने के लिए कहा गया था। इस पर सर्विस प्रोवाइडर ने उन कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। इसी पर एजिटेटेड होकर इन कर्मचारियों ने आज एम्स परिसर में धरना प्रदर्शन किए। तो ये अभी कहा गया है, जो हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है
उनके तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों के समक्ष कि फिलहाल किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने वाली है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय है। ऐसे में कई लोग समय की जानकारी नहीं होने की वजह से अभी भी समय सीमा खत्म होने के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद मुनि की रीति थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया। मुनादी के दौरान लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोविड गाइडलाइन में बदलाव किया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। मुनि की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद भगवानपुर से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश से बात की है और उनसे पूछा है कि ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए रैलियों पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में अब प्रत्याशी क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ करेंगे और उनके सामने अब क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, इसको लेकर बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। जैसे ही कल चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लगाई और चुनाव की तारीख का ऐलान किया, सारे प्रत्याशी जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बसपा के हों, बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, सभी अपनी तैयारियों पर जोर शोर से लग गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक किसी भी चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। बसपा से भगवानपुर के प्रत्याशी हमारे साथ सुबोध राकेश जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सुबोध जी, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, क्या कहेंगे कोविड के खतरे को देखते हुए, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी आपके सामने? देखिए, स्वागत है। चुनाव आचार संहिता भी ये प्रक्रिया, एक सिस्टम है चुनाव का, और निश्चित रूप से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, प्रत्येक पार्टी के नेता, किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से हों, उनको आचार संहिता के नियमों का पालन करना चाहिए। हम भी कानून के मानने वाले लोगों में से हैं और निश्चित रूप से हर बार, पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी अपने बड़ों के माध्यम से हम चुनाव प्रक्रिया में रहे हैं, तो हमेशा हमने आचार संहिता का पालन किया है। और निश्चित रूप से एक व्यवस्था है सरकार की कि सिस्टम के साथ चुनाव व्यवस्था आगे बढ़े, ज़्यादा खर्चा बर्चे की स्थिति जो होती है, अनाप शनाप जो लोग करते हैं वो ना हो, ये प्रयास रहता है सर। खर्चे की बात की आपने, खर्चे की, चुनाव आयोग ने पहले कम पैसे थे बहुत चुनाव में खर्च किए, अब 40 लाख रुपए की सीमा रखी है, क्या सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हम तो उन लोगों में से हैं जो जनता के काम करने के लिए, जनता की व्यवस्था में हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं। पैसे वैसे वाली व्यवस्था तो सुबोध राकेश की है ही नहीं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरा तो काम भी, मेरी तो व्यवस्था भी, मेरे समाज सर्व समाज के सम्मानित लोग देख रहे हैं, व्यवस्था भी खुद कर रहे हैं, सारा सिस्टम जनता के हाथों में है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते सुबोध जी, कितनी चुनौती मान रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करना, आप एक कोई रैली नहीं कर सकते या भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, किस क्या माध्यम रहेगा अब चुनाव में जाने का? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है देश के लिए, समाज के लिए, और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सबको इसका पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से ओमिक्रॉन हो, कोरोना हो, ये जो महामारी इस देश में हमारे फैली है, इसको कंट्रोल करने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमने हमेशा से सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे हम बढ़े हैं। आज हम चुनाव में हैं, उसके बाद भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरी तरह से इस सोच के साथ कि इस क्षेत्र का तमाम सर्व समाज सुरक्षित रहे कोरोना से, ओमिक्रॉन से। इस व्यवस्था के साथ, इस प्रयास के साथ सुबोध राकेश आगे बढ़ेगा और तमाम सर्व समाज को साथ लेकर इसी प्रकार से व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। सुबोध जी, 2017 में आप बीजेपी से चुनाव लड़े, आपके साथ पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ था। अभी आपके विरोधी जो हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस का भी पूरा जितने भी नेता हैं उनके लगे हुए हैं, आप अकेले हैं, किस तरह से चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि बसपा जो है यहाँ से परंपरा सिर रही है बसपा की, भगवानपुर से, अब आपको उम्मीदवार बनाया है, तो कितनी चुनौती मान रहे हैं कि आपके साथ कोई बड़ा नेता तो है नहीं, आप खुद ही अकेले किस तरह से सामना करेंगे? देखिए, मेरे बड़ों ने भी राजनीति की प्रक्रिया इसी तरह रखी है, अपने दम पे, अपनी सम्मानित जनता के आशीर्वाद से हमने हमेशा राजनीति की। क्या एक वो मुहावरा है कि मैं अकेला ही चलाता, जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता रहा?
चला गया, उसी व्यवस्था के साथ सुबोध राकेश चल रहा है। और सुबोध राकेश पिछले 5 साल से लगातार अपनी सम्मानित सर्व समाज की जनता में उनके सुख दुख में 24 घंटे सम्मिलित रहा है। आज इस क्षेत्र का सर्व समाज सुबोध राकेश के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से आपने अभी देखा 30 तारीख में एक महारैली यहाँ पर हुई, एक जनसैलाब उमड़ा भगवानपुर के अंदर। ना तो वहाँ कोई सेलिब्रिटी था, ना किसी बड़े नेता का चेहरा था, वहाँ मात्र सुबोध राकेश एक जनता का सेवक था, जिसके माध्यम से इतना जनसैलाब भगवानपुर में निकला कि 4-5 घंटे यह भगवानपुर जाम हो गया, चारों तरफ सड़कें जाम थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबोध राकेश को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं जनता का सेवक हूं और जनता का ही नेता हूं, जनता की व्यवस्था के साथ खड़ा हूं। और जनता का आशीर्वाद जिस नेता के साथ होता है उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, जनता ही नेता को बनाती है। और आज सुबोध राकेश को जनता नेता बनाने के लिए तत्पर है। आखिरी सवाल, मुख्य मुकाबला किससे है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो क्षेत्र जिस प्रकार से आप लोग देख भी रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, मुकाबला तो मुझे किसी से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सर्व समाज एक तरफा मेरे साथ खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी का एक बेस वोटर कहा जाता है मुस्लिम समाज को, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज की स्थिति में 50-50% मुस्लिम समाज सुबोध राकेश के नाम पर आशीर्वाद देने के लिए आज सड़कों पर है। और निश्चित रूप से अगर यानी कि सुबोध राकेश का जो मुकाबला है वो कांग्रेस से है, बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है? देखिए, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा। दूसरे नंबर पर सुबोध राकेश इनसे बहुत आगे निकल चुका है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की एसिट आज यहाँ पर पूरी तरह से मजबूती के साथ सर समाज आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से रुझान मिल रहे हैं, जिस प्रकार से सर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, ना तो कांग्रेस मेरे आसपास है, ना बीजेपी मेरे आसपास है, ये दोनों पार्टियाँ बहुत पीछे हमारे से रह गई हैं। हम बहुत आगे दौड़ में हैं और निश्चित रूप से ये दौड़ और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, मार्जिन और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सुपुत्र अभिषेक राकेश से बातचीत की है। अभिषेक राकेश से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जाना कि उनके सामने 2022 चुनाव को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं और वह किस पार्टी को या प्रत्याशी को भगवानपुर के चुनाव में चुनौती मानते हैं। चुनाव आयोग ने सभी रैलियों पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, अब चुनाव प्रचार के लिए उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी, आइए उनको सुनते हैं। वैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उत्तराखंड में सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग चुकी हैं। हम इस वक्त भगवानपुर में हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के सपुत्र अभिषेक राकेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि चुनाव 2022 की किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। अभिषेक जी, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, 14 फरवरी को यहाँ मतदान होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए और कोविड के, चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक रैलियों पे हर तरह से रोक लगाई है, किस तरह से चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये कोरोना का खतरा है, इससे हमारे सभी समाज के और सब समाज के लोगों को एक दिक्कत तो है ही, क्योंकि कोरोना है, इससे हम सबको बच के रहना है। पिछली बार भी जो आया था तो उसने बड़ा हाहाकार मचाया था। जो रैलियों पर रोक है वो तो चुनाव आयोग निर्धारित करेगा कि आगे आने वाले समय में कितना माकूल समय हमारा रैलियों का होगा या नुक्कड़ सभाओं का होगा। मगर अब जो रूपरेखाएं हमारे चुनाव आयोग ने हमारे लिए बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं, उन रूपरेखाओं के मद्देनज़र रखते हुए सारा काम होगा, सारा प्रचार होगा। और हम कोशिश करेंगे, जैसे कि कहा है 5-5 लोग जाकर, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों तक 5-5 लोग और जो भी है अपने कुछ टीम गठित करके उन तक पहुँचा जाए और अपने लोगों को और अपने सभी लोगों को समझाया जाए। क्या वर्चुअल रैलियों का उपयोग किया जाएगा? देखिए, वो तो हमारे पार्टी के निर्देश जिस तरह से ऊपर के रहेंगे वो किया जाएगा, मगर हम भी अपने माध्यम से जितना भी हमारा वर्चुअल तरीके से भी डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से जो डिजिटल प्रचार है, सोशल मीडिया का जरिया है, उसके जरिए से हम भी अपना प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे। और अपनी बात है, जो अपने मुद्दे हैं, जो रोज़गार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और हमारे जो SC ST OBC की जो स्कॉलरशिप बंद पड़ी है उनका मुद्दा है, वो लोगों तक अपने माध्यम से पहुंचाने का, जिस जो भी माध्यम होगा, चाहे डिजिटल माध्यम हो या 5 बंदों को भेजकर अपना प्रचार प्रसार हो, उसके ज़रिए हम अपने मुद्दों को लोगों में जाकर जागरूकता फैलाएंगे और जागरूकता को उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने एक यहाँ पर अपना बड़ा जनाधार खड़ा किया है। 2012 में वो विधायक बने, फिर 2007 में विधायक बने, फिर 2012 में बने, 2015 में उनके स्वर्गवास के बाद आपकी माताश्री जो है यहाँ से विधायक बनी, 2017 में आपकी माताश्री यहाँ से विधायक बनी, 2022 में किसको चुनौती मान रहे हैं आप? चुनौती तो कोई हमारे सामने नहीं है, क्योंकि 2017 के बाद से जितने भी हमने काम किए हैं, हम विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हमने 5 ऐसे कार्य मैं आपको गिना सकता हूँ जो हमने किए हैं,
जो स्वास्थ्य केंद्र में जो ऑक्सीजन प्लांट है, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग जो हमारे आजकल ही स्वास्थ्य, आप ऑक्सीजन प्लांट की बात की आपने, ऑक्सीजन प्लांट के आपके जो विरोधी हैं यहाँ पे राजनीतिक विरोधी, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए विधायक निधि से दिए और 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगा, उसमें सारे जो ये इंडस्ट्री एरिया वाले इन्होंने दिया और अपना नाम कर दिया जाके आपके यहाँ के विधायक। देखिए लोकार्पण उसका विधायक जी ने किया है, और जब उन्होंने माना तो 10 लाख रुपए, और जब मैं ये बात कह रहा था, मेरी वीडियो पिछली भी मैंने कई न्यूज़ चैनलों को अपने माध्यम से बाइट दी है, जब मैं अपने माध्यम से ये बात कह रहा था तब यही वो नेताजी थे जब ये बोल रहे थे कि वो काम हमारा कराया गया है। अब अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन जाकर आपने देख ली और उसका मौका मायना आपने कर लिया और बयाना आपने दिया नहीं, तो आप वो प्लॉट को अपना बताने लग जाओगे। अब हम मैम कहते हैं कि CSR ने उसमें मदद की है, उसमें 10 लाख रुपए का हमारे माध्यम से पैसा गया है, और जो वो बात कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, मैं उनकी जानकारी के लिए उन्हें बता दूं, शायद उनमें इतना ज्ञात नहीं है, जो 1 करोड़ रुपये की बात वो कर रहे हैं, वो हमें ये बोला गया था जो विधायक निधि है इसमें से 1 करोड़ रुपया उस समय को मद्देनजर रखते हुए, वो 1 करोड़ रुपया निधि का हमें इन कोरोना के उपकरणों में उपयोग करना होगा। हमने ऑक्सीजन प्लांट दिया, हमने अपनी तरफ से एम्बुलेंस की मांग करी, उसके बाद कोरोना का हल्का प्रभाव पड़ गया और वो 1 करोड़ रुपया जो था उसको हमने कार्य के रूप में, जो सड़कों के माध्यम से सड़कें जो बन रही हैं वो कराने का कार्य किया है, ना कि कोई स्पेशल बजट हमारे लिए जारी नहीं हुआ था। अगर नेताजी को जानकारी हो तो वो लाइए, वो बिना किसी पुख्ता सबूतों के वो गलत बयानबाजी करते हैं, ना शासन के कोई उन पर आदेश होते हैं, ना प्रशासन का उन पर किसी भी संबंध में वो जो बात करते हैं वो सिर्फ अपने मुँह जुबानी करते हैं। हम पिछली बार भी जो किया था वो सब प्रूफ के साथ। एक कहावत है कि लगे पेवन नहीं उतरते, आप चाचा भतीजे हैं, चाचा भतीजे ही रहेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई है आपकी, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने एक बयान दिया था कि सुबोध राकेश जी ने पार्टी बदली है, चरित्र नहीं बदला, उनके चरित्र के बारे में आपका क्या कहना है? चरित्र के बारे में मेरे को ये कहना है, देखो मैं ज़्यादा किसी के चरित्र में बोलने का वो नहीं करता, मगर जब आपने पूछा है, मेरा कहना यह है, ये जिन भी मुद्दों पर बात करते हैं, जिस भी समाज के लिए लेकर बात करते हैं, पिछली बार जब पार्टी बदली थी तो इन्होंने एक तरफा सारी बाइटें इनकी, सारे इनके भाषण उठा के देख लीजिए, दलित समाज की बात किया करते, दलित समाज के लिए क्या किया, दलित समाज की गर्दन काट दी, दलित समाज का ये कर दिया। आज अगर अपनी पार्टी बदली है तो आज मुख्य तौर पे मुस्लिम समाज पे टारगेट कर रहे हैं, तो ये जनता सब समझ चुकी है। अब दलित समाज की क्यों नहीं बात करते? अब कीजिए बात, 2 अप्रैल को कहाँ थे? कहते हैं मैंने अपना क्या वो ज्ञापन दिया था, ज्ञापन देने की बात करते हैं, लाइए सबूत, दिखाइए वीडियो, अगर कोई सबूत और वीडियो मिल जाए, नेताजी का कोई फोटो भी अगर मिल जाए 2 अप्रैल को ज्ञापन देते हुए का, तो लाइए मीडिया के सामने, खुले मंच के माध्यम से मांगता हूँ, ज्ञापनों की कॉपी देकर बहाने बनाने का काम ना करें। अगर फोटो है, आप सोशल मीडिया पर काफी समय से एक्टिव है, आपकी पूरी टीम एक्टिव है, आप लाइए। क्या आप सुबोध राकेश को 2022 के चुनाव में चुनौती नहीं मान रहे बसपा को? कोई चुनौती नहीं है, आपके पिताश्री 2 बार बसपा से विधायक रहे, बसपा का एक बड़ा जनाधार है। तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मानते हैं कि वो अपने आप को स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, वो उनके भाई हैं और आपके ही चाचा हैं। तो मैं भी उनका बेटा हूँ, उनका बच्चा हूँ स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का, वो भाई बोलकर वो अपने मंचों से जाकर उनका जिक्र। चुनौती नहीं है, आखिरी सवाल, कोई चुनौती नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक राकेश जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सुबोध राकेश या बसपा को भगवानपुर में कांग्रेस या हम जो है कोई चुनौती नहीं मानते, और एक तरफा कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, भगवान। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलौर CEO पंकज कुमार गरौला ने मंगलौर कोतवाली के सभी दरोगाओं की बैठक आयोजित कर शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। हिस्ट्री सीटर और असामाजिक तत्व पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आचार संहिता का पालन ना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई किए जाने के उनको निर्देश दिए गए हैं पंकज कुमार गरौला की तरफ से। आचार संहिता चुनाव आयोग के निर्देश पर कल से लागू हो चुकी है, उसी संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन कराए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी थाना मंगलौर में।
तो उसमें जो निर्देश मिले उसी पे उनको सबको ब्रीफ किया गया है। तो जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो कराई जाएगी और इसमें हमें जल्द ही फोर्स का जो डेवलपमेंट भी होने वाला है इसमें टीमें बना दी गई हैं, तो उसमें आने जाने पर और जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उन पर जो प्रचार का जो नियम बनाया गया उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। खनन के ट्रक छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखने और उन्हें आदेश देने के लिए पीआरओ पद से हटाए जाने गए नंदन सिंह बिष्ट को एक बार फिर पीआरओ बना दिया गया। आचार संहिता से दो दिन पहले इसके आदेश जारी किए गए जो आचार संहिता के बाद बाहर निकले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आचार संहिता में आखिर कौन सा सरकारी काम नंदन सिंह बिष्ट को करना है जो उनके आदेश में लिखा गया है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग 4 के कार्यालय आदेश संख्या 812 दिनांक 20 सितंबर 2021 द्वारा जनसंपर्क अधिकारी किसरजत पद के सापेक्ष नंदन सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी के 01 अस्थायी निस्वर्गीय पद वेतनमान लेवल 10 में दिनांक 11/12/2021 से दिनांक 28/2/2022 तक अथवा मुख्यमंत्री की स्वेच्छा अथवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल जो भी पहले हो, बशर्ते कि यह पद उक्त अवधि के पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त ना कर दिया जाए पर नियुक्त प्रदान किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अलर्ट होता नजर आ रहा है। आज सुबह से ही लक्सर प्रशासन बेहद अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन व ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफिसर हरकत में दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ चौराहों पर वाहनों की चेकिंग चल रही है। पुलिस प्रशासन की मदद से नगर पालिका प्रशासन सरकारी संपत्ति पर लगे होर्डिंग उतरवाने में जुटा हुआ है। देखिए ये अभी पीछे जो है यहाँ डीजीपी साहब आए थे लक्सर में, तो वहाँ स्थानीय लोगों ने शिकायत करी थी ओवरलोडिंग के संबंध में। तो मेन पथ पर हमारा जो है आज पुलिस और प्रशासन के साथ जो है संयुक्त चेकिंग का था, जिसमें ओवरलोड वाहन या ऐसे वाहन जो बिना प्रपत्र के चल रहे हैं और बिना ड्राइविंग लाइसेंस है, बिना फिटनेस है, परमिट है, टैक्स जमा नहीं किए हैं या जो है सड़क जो यातायात के नियमों का है उसका उल्लंघन करके चल रहे हैं, ऐसे वाहनों के विरुद्ध आज हम जो है प्रवर्तन कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। और अभी तक हम जो आठ चालान कर चुके हैं, दो ई चालान हमारे हो चुके हैं। उत्तरकाशी में रविवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष पारदर्शिता व सफल बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक रूप से संपन्न किया जाए। उन्होंने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्तियों पर लगे पोस्टर बैनर आदि प्रचार प्रसार सामग्रियों को तत्काल प्रभाव से हटाना सुनिश्चित करें। देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पीपलकोटी नगर पंचायत ने भी अपने नगर क्षेत्र में मास्क वितरण, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर छिड़काव के साथ साथ नगर पंचायत की गाड़ी से लाउडस्पीकरों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। कोविड की गाइडलाइन का पहले की तरह सख्ती से सभी लोगों को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले लोगों को अपने कूड़ा वाहन है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, साथ साथ और मास्क वितरण किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पंपलेट छपवाए हैं, जगह जगह लगवाए हैं और हमेशा मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं उनको हम मास्क और सैनिटाइजर देते हैं। हमारी काफ़ी वीडियो भी है और अपलोड भी होती है। 2022 स्वच्छता को देखते हुए हमें सारी गतिविधियाँ करनी पड़ रही है। साथ साथ ऐसा यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन को भी देखते हुए सबको कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।